सत्य के साथ। मेरी सिविल सर्वेंट होने की इच्छा नहीं थी। मेरे फादर ने भी कहा, वालिद साहब ने कहा कि भाई अगर कुछ ना, उनके पास लेके गया अपने लीड आर्टिकल्स इकोनॉमिक टाइम्स में जब मैं 22 साल कर रहा, तो बोले कि ठीक है, तो कोई भी लिख सकता है, दम है तो ये आईएएस एग्जाम इसको करके देखो। मैं कहा क्या आपको लगता है ये कर नहीं सकते? किस्मत मेहनत कितने मायने रखती है सिविल सर्विसेज में? मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ एबिलिटी टू राइट, वो बहुत जरूरी है। किसी भी आप यंग सिविल सर्विस के ऑफिसर को देखिए, उनमें एक एटीट्यूड होता है और उनमें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि वाकई में नौकरशाह, यानी कि शहंशाह और नौकर को मर्ज करते हुए जो उत्पत्ति होती है वो नौकरशाह। आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी चलिए ये किताब यहाँ पढ़िए, इसको निकालिए। और ये भारत का नाम मैंने 2 साल पहले कहा था कि वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, जब से ये G20 में ये इन्विटेशन भारत के नाम पे गए, तो मेरी भी 100 किताब और बिक गई, तो मुझे बड़ी खुशी है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ इस मामले में। आई स्टिल थिंक दैट यू नो वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग गुड मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, जो भी, बहुत ज़रूरी है कि हम वो चूज़ कर लें कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद सलीम सैफी और आज हमारे मेहमान हैं श्री संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी कार्यशैली से एक अलग पहचान बनाई और सिविल सर्विस के अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, आप उसके भी डायरेक्टर रहे हैं। उसके अलावा 1984 से लेकर रिटायरमेंट तक आपने बहुत अहम ओहदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और आपकी एक ख़ास पहचान ये है कि भारत के बदलते हुए नक्शों को, जिन्हें हम मैप कहते हैं, उसका गहराई से अध्ययन किया है, उस पर किताब लिखी है और लिटरेचर को बहुत करीब से अपना सब्जेक्ट रखा है। संजीव चोपड़ा जी अपने आप में एक ऐसी हैसियत रखते हैं कि जो लिटरेचर की गहराई को बहुत बारीकी से समझाते हैं और समझते हैं। इसीलिए लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में शुरुआत करने की जो खूबी रही और क्रेडिट जाता है वो संजीव चोपड़ा जी को जाता है। तो हम संजीव चोपड़ा जी से तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो बच्चे सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनका सपना सिविल सर्विस में अपनी धाक जमाने के अलावा, रुतबे के लिए जो लोग आते हैं रुतबा कितना मायने रखता है, उनका सोच, उनका विचार और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कितने मायने रखती है। बेसिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते आपके जो विचार हैं वो किस तरीके से आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व में तब्दील करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं संजीव चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैफी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप वाओ कैफे में आए हैं, किताबें पीछे हैं और क्या चाहिए जिंदगी में। चोपड़ा जी, आपने एक ऐसी सर्विस में अपनी जिंदगी गुजारी है कि कपूरथला में जो एक बच्चा संजीव चोपड़ा होता था तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिविल सर्विस में उसे जाना है। आप एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप 3 साल पत्रकार रहे, पत्रकारिता करते करते अचानक सिविल सर्विस की तरफ रुख कैसे हुआ आपका? नहीं देखिए, पहली तो बात ये मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में खासतौर पर IAS और IPS के बारे में तो काफ़ी जानकारी रही, क्योंकि मेरे फादर BSF में थे और स्टेट पुलिस सर्विस में थे, तो एक माहौल तो था सिविल सर्विसेज का घर में। लेकिन मेरी सिविल सर्वेंट होने की इच्छा नहीं थी। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं प्रोफेसर बनूं या लेखक बनूं या जर्नलिस्ट बनूं, और फॉर्चुनेटली 21 साल की उम्र में टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग जर्नलिस्ट भी हो गया। और 2-3 साल के बाद फिर, मतलब जिसको कहा जा सके कि बहुत कॉन्शियस प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन एक किस्म सा एक चैलेंज सा बना कि मेरे फादर ने भी कहा, वालिद साहब ने कहा कि भाई अगर कुछ
मैं उनके पास लेके गया अपने लीड आर्टिकल्स इकोनॉमिक टाइम्स में जब मैं 22 साल कर रहा, तो बोले कि ठीक है तो कोई भी लिख सकता है, कोई दम है तो ये IAS एग्जाम इसको करके दिखाओ। मैं कहा ये क्या है, आपको लगता है ये कर नहीं सकते? बोले यार सब कहते हैं करो तो सही फिर छोड़ देना। तो ऐसा उन्होंने फिर वो डाला उसमें कि करो तो सही फिर छोड़ देना, अब फिर करने के बाद छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर जब आप IAS बने, आपने उस संस्थान में जाके ट्रेनिंग ली जिसके आप डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, जब आप एक छात्र थे, छात्र के रूप में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में मसूरी पहुंचे, उस वक्त की एकेडमी और जब संजीव चोपड़ा डायरेक्टर थे उस वक्त की एकेडमी में क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है और बहुत चीज़ें वैसी भी हैं। देखिए एक तो चीज़ ये है कि मुझे तो एकेडमी से उसी दिन से बहुत प्यार हो गया था, और मेरी एक किस्म से कहा जाए एक इच्छा थी कि मैं डायरेक्टर बन के ही, मतलब कई लोगों की इच्छा होती है कि वो सचिव बने, कईयों की इच्छा होती है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, क्योंकि बचपन से ही मेरी एक पढ़ने लिखने की किताबों में तो एक इंटरेस्ट था ही। तो आई वॉज़ वेरी कीन दैट आई शुड रिटायर एज द डायरेक्टर ऑफ द अकेडमी, और बाय द ग्रेस ऑफ यू नो ऑलमाइटी आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द अकेडमी। क्या फ़र्क थे? देखिए एक तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत इम्प्रूव हो गया। उन दिनों में एक तो लाइट की, लोड शेडिंग की बड़ी समस्या थी, गर्म पानी नहीं था, ठंड बहुत थी, ठंड तो उतनी थी लेकिन ठंड के साथ जूझने की वो सुविधाएं नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक था, और एक और चीज़ थी वो ये था कि जो हमारी जो तब ट्रेनिंग जो थी पूरी की पूरी, उसमें था कि नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़ोर था। उन दिनों में कहते थे कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद स्किल होना चाहिए और अच्छा एटीट्यूड है तो भी ठीक है। जब तक 30-35 साल के बाद पूरा वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब हमारा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड, उसके बाद स्किल और उसके बाद नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह उपलब्ध है। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमें CRPC पढ़ना पड़ता था, IPC पढ़ना पड़ता था, एविडेंस एक्ट जानना पड़ता था, लैंड लॉज जानने पड़ते थे, सिविल कोड, अब तो वो सब चीज़ें मोबाइल पर उपलब्ध है। सो वॉट हैज़ हैपेंड इज दैट द इकोसिस्टम इज चेंज। सो टुडे इंफॉर्मेशन, गेटिंग इन्फॉर्मेशन कि आपके पास आपका ज्ञान IPC का मेरे से बेहतर है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि सबके पास इन्फॉर्मेशन बराबर है। अब जो पूरा फोकस है वो एटीट्यूड पे, और तब जो हमें, तब भी क्योंकि पुराने जो हमारे कुछ टीचर्स थे जो सीनियर अफसर ही थे, उनको ये लगता था कि क्योंकि ICS के मोल्ड में अब IAS बन गया तो आप ही देश को चेंज करेंगे, आप ही के हाथ में सब कुछ है, इंडिविजुअल पे बड़ी फोकस था। अब हम इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि देखिए ये इंडिविजुअल ग्रेट नहीं होता है, हमेशा टीम वर्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये अकेला कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर के साथ उसका SP भी है, उसका सिविल सर्जन भी है, उसका हेल्थ ऑफिसर भी है, उसका एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है, एजुकेशन ऑफिसर भी है। अगर वो पूरी टीम को साथ लेके नहीं चलेगा तो अकेला यू नॉट अ सिंगल सिकंदर। Sir, ये जो पूरा एटीट्यूड जो था हमारे टाइम में कि आप अकेले ही सिकंदर हैं, आप अकेले सिकंदर हैं जो देश को चेंज करेंगे, दैट एटीट्यूड इज नाउ फॉर्चुनेटली गॉन। अब हम मानते हैं कि हम सबको मिलके, और एक और जो उन दिनों में टेंडेंसी थी कि हमको ये लगता था कि हम ही ठीक हैं और पॉलिटिशियंस बहुत ख़राब हैं, मीडिया वाले ख़राब हैं, ये गलत है वो गलत है। नाउ वी रियलाइज कि देखिए हर आदमी का एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें एज पब्लिक सर्वेंट्स हमें दो तीन चीज़ों हैं बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। एक तो उनमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी बात को कैसे रखें ताकि दूसरे व्यक्ति को नॉन एडवर्सरियल कम्युनिकेशन जिसे कहा जा सके। तो आप अपनी बात तो रखो, ऐसे रखो कि दूसरा आदमी बहुत नाराज़ ना हो आपसे। तो ये सब चीज़ें सर, ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं, ये जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो इनमें ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे सिविल सर्विस में आएँ और देश सेवा में अपना योगदान दें, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जो महसूस करते हैं रुतबे के लिए, रॉब के लिए इस सर्विस में आना चाहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि जब आप 12th के स्टूडेंट थे उस टाइम आपका क्या सोच थी, और जब तक आपने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की तो क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आपने फेस किए और क्या क्या होता है? एक तो हमारे टाइम में 12th होती नहीं थी, हम तो आखिरी हैं वो जो 10+1 वाले सिस्टम के, हमारे बाद से अगले साल से 10+2 शुरू हो, तो मैंने तो 12वीं की नहीं। खैर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन है। देखिए उन दिनों के युग में और अब के युग में बहुत फ़र्क है, और एक सबसे जो बड़ा फ़र्क वो ये है कि
इंफॉर्मेशन बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती। एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती और ना ही है। तो जो एक पहले जो एक फीलिंग थी कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है, पूरे का पूरा सिस्टम केवल सरकारी तंत्र पे, सिर्फ नौकरी वाले तंत्र पे है, उस चीज़ को अब हमने बहुत ज़्यादा, बहुत चेंज आ गया। इनफैक्ट अब आप देखें अगर तो देश के अलग अलग रीजन्स अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में है, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, या जिसको हम हिंदी बेल्ट में कह सकते हैं, वो उस तरह का रुतबा या उस तरह का रोल एक डेवलप्ड स्टेट में नहीं है। मतलब जैसे जो रोल एक आईएएस ऑफिसर का या आईपीएस ऑफिसर का या बाकी लोगों का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का उन एरियाज में है जहाँ पे अभी तक लोग ज़्यादा तौर पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उसका रोल, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है तो रोल में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ये नहीं है कि रोल कम हो रहा है, लेकिन उस रोल का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है। मतलब जो एक शहर के अंदर एक म्यूनिसिपल कमिश्नर के रोल और एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में बहुत फ़र्क है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को रीच आउट करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लेकिन अर्बन सेंटर्स में, अर्बन एरियाज़ में आपको सिस्टम्स की तरफ ज़्यादा जोर देना पड़ता है। और जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है वैसे वैसे, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कहते हैं कि गवर्नेंस पे फोकस होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो काम आगे ह्यूमन इंटरवेंशन से होता था, अब वो बहुत सारे काम जो हैं वो हमारे सिस्टम्स ड्रिवन है। देखिए एक रेवेन्यू रिकॉर्ड के हम एक एग्जांपल लें, आगे एक रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए आप मेरिट से हैं तो आपको भी कुछ ना, आपको आइडिया होगा कि कितनी मुद्दत लग जाती थी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जूते घिस जाते थे लोगों को अपना लैंड रिकॉर्ड लेने के लिए। अब आप यहाँ से, आप ये वाओ कैफे के कंप्यूटर से अपना लैंड रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, मैं अपना लैंड रिकॉर्ड यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। अभी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी जब रेवेन्यू का रजिस्ट्रेशन के साथ तालमेल हो जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम लोग 85 में ट्रेनिंग करने के बाद जब हम बंगाल पहुँचे और वहाँ पे, खैर बंगाल हो या पंजाब हो, हर जगह हम सबको वो जरीब से लेके वो मेजरमेंट करनी पड़ती थी ज़मीन की, और दूर से थ्रेडलाइट सर्वे लगा के देखते थे कि ये इसकी अलाइनमेंट कैसी है। अब वो सब चीज़ें तो यू नो दे ऑल अवेलेबल ऑन द सैटेलाइट, और गूगल बाबा तो है ही है जो आपको आपका नक्शा दे रहे हैं। हालांकि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑथेंटिक, बट और दो चार साल में तो ऐसे ऐप आ जाएंगे जो आपको पूरा, नॉट ओनली विल दे टेल यू कि आपकी ज़मीन कहाँ है, ये भी बता देंगे आपकी ज़मीन के नीचे पानी कितना है, आपकी नेबर। तो जो हमारे जो आगे जो पूरा हमारा समय लग जाता था कि हमने ज़मीन को मेशर करना है, वो मेशरमेंट में इतना टाइम लग जाता था, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और ये देखिए, ये जो इंटीग्रेशन अभी हुई है, मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए अब अगर हमारे पास ये क्लियर हो जाए कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है, वो कहाँ है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, और वो सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से होगी, उसी के बेसिस पे आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है, उसी के बेसिस पे आपका जो ये फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली हो जाती है, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन हो जाती है कि भाई अगर इस टाइप की लैंड है, इस टाइप का पानी है, इस टाइप की उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो आपकी कितनी प्रोडक्शन होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आगे में बहुत बहुत कष्ट होता था, अब वो चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। इसका मतलब ये कि नाउ वी हैव टू मूव द नेक्स्ट स्टेप, कि नाउ द फोकस हैज़ टू मूव फ्रॉम production to productivity to value addition to logistics. So, desh has moved in a very, very different direction. So, today's IAS officer or tomorrow's IAS officer will be dealing with issues of logistics. I mean, it's no longer an issue of roti, kapda, makan. It's an issue of infrastructure. It's an issue of airports. It's an issue of development. It's an issue of connectivity. It's an issue of how do you make India the topmost nation in the world in the next 25 years. So, the whole thing, the whole scenario has changed. Sir, ek cheez kahi jaati hai ki किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में ये नहीं शायद, तो किस्मत पे ठीकरा फोड़ा जाता है। किस्मत, मेहनत कितने मायने रखती है सिविल सर्विसेज में, और क्या कनेक्शन है किस्मत और मेहनत? देखिए पहली चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेहनत के बगैर तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सब लोग बराबर मेहनत करते हैं,
बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, कहीं का होता है कहीं का नहीं होता। इसमें आई वुड से कि देखिए हमें दोनों फैक्टर्स देने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का भी और पॉसिबिलिटी का भी। और हर साल ये कंपटीशन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज के युग में मैं क्वालिफाई करता कि नहीं करता, क्योंकि हमारे टाइम में 40-50 हज़ार लोग बैठते थे एग्ज़ाम के लिए, उनमें से 1/4 इसमें प्रीलिम्स में 40-50 हज़ार कैंडिडेट बैठते थे, 10 हज़ार करीब मेंस में आ जाते थे, उसके बाद में करीब 1000 लोग, तो बहुत सिंपल था। अब आज की डेट में कितना भी आदमी ब्राइट हो, कितना भी आदमी IIT टॉप किया हो, स्कूल टॉप किया हो, 10 लाख लोगों के बीच में से हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो तो उतनी हैं। और इसलिए देयरफॉर आई वुड से कि आज की डेट में तो थोड़ा बहुत जोया फैक्टर या लक फैक्टर वो है ही है, बिकॉज यू डोंट नो। सर लक क्या होता है? लक का तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो टॉप किए हैं IAS को, वो 2 साल पहले IPS में थे, अगले साल प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किए और तीसरे साल IAS टॉप कर गए। अब एक आदमी में इतनी वेरिएशन तो नहीं हो सकती ना, कि वो एक साल पास ही नहीं होता, प्रीलिम नहीं पास होता। तो इसमें तो देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ डेस्टिनी कहिए, फेट कहिए, लक कहिए, जो भी कहिए, समथिंग यू नो विच, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी ब्राइट एंड दे डोंट मेक इट। और ओनली थिंग विच दिस UPSC डज इज कि ये बिल्कुल मतलब ये जो बिल्कुल ही जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो हार्डवर्किंग नहीं है, वो पास नहीं हो सकता, ये गारंटी है। लेकिन आप ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्डवर्किंग हैं, आप क्लियर कर जाएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े ढक्के से कहते हैं ये कहते हैं यू कैनॉट डू इट। यानी कि सब कुछ जाकर जो बोर्ड बैठता है बोर्ड के सामने सारी तस्वीर बदल जाती है, उसे ही किस्मत कहेंगे? नहीं देखिए मेन चीज़ तो है मेंस के मार्क्स का, बिकॉज बोर्ड विल ओनली डिटर्मिन, जो UPSC विल ओनली डिटर्मिन कि आप IAS में आते हैं या IPS में आते हैं, इनकम टैक्स में आते हैं, या आर्म फोर्सेज सिविलियन हेडक्वार्टर सर्विस में जाते हैं, या आप डेनेक्स में पहुँचते हैं। और इनमें कोई बहुत फ़र्क है नहीं, क्योंकि जब आपका बेस इतना बड़ा है तो द डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड द लास्ट पर्सन हु मेक्स इट इज़ नॉट वेरी हाई, परसेंटाइल टर्म में वो सब उसी टॉप परसेंटाइल में है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ लक एंड डेस्टिनी कि आप उस दिन कैसा रहा, आपको बोर्ड कैसा मिला, उस दिन क्या क्या आई डोंट नो। आई मीन बिकॉज यू सी इट्स वेरी इजी फॉर मैंने तो, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई गारंटी नहीं कि वो क्वालिफाई करेगा। और इसीलिए एग्जाम से रिजल्ट से 5 दिन पहले मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट हो जाऊँ कि ये मुझे मिलना ही था, तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बिकॉज नोबडी नोज द कंपटीशन इज इंडीड वेरी वेरी इंटेंस सर। ये जो बट इट्स अ फेयर कंपटीशन सर, ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो अभी आपने एक बात कही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बहुत से बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से लेकर 12th तक टॉपर रहते हैं, कॉलेज में टॉपर रहते हैं, तो देखा गया कि एवरेज स्टूडेंट सिविल सर्विस में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो वो जो मेहनत आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसका सही ट्रैक क्या है मेहनत का, हमारे दर्शकों को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। नहीं भी तो आपने मेरे ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दे दी है, मैं आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। यू सी इट्स एज आई सेड मेहनत क्या, देखिए अब मेहनत के साथ साथ टेक्निक की बड़ी ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट होते हैं, देखिए मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ एबिलिटी टू राइट, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया, और बिकॉज आई वॉज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज टू मी दैट आई डिड नॉट हैव टू प्रैक्टिस माई राइटिंग स्किल्स। यू सी आई एम वेरी श्योर दैट इन दैट वेरी ईयर द नंबर ऑफ पीपल हु हैड मोर इन्फॉर्मेशन देन मी वॉज हायर, बिकॉज द पीपल दैट आई टुक नोट्स फ्रॉम दे डिड नॉट make it to the IAS, and they were in the allied services because they had prepared the notes, but their technique of writing was perhaps not as good as mine, and I had the advantage of working in the times of Indian economic times. So if you are working in an organization where where the whole caliber is writing, ultimately the examination, the examiner is not, cannot check, we cannot check how much you know, we can only check how much you've been able to write. Likewise, no one can check how much you know in an interview.
यू कैन ओनली चेक हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेटिंग इन दोज आई मीन इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन इन टू मिनट्स यू हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड बट इफ यू कैनॉट फोकस योर माइंड एंड गिव दैट आंसर इन टू मिनट्स देन यू आर गॉन सो इट इज पार्टली टेक्निक ऑल्सो इट्स पार्टली टेक्निक यू नो because you must know the technique of writing you must know the technique of writing small precise sentences and you must have the ability to convey your thoughts in a methodical manner in a short span of time jo mujhe advantage mil gaya because of working in the economic times and times of india and you know because of being in JNU and because of being participating in debates and in various other things so I think I would encourage young people who are taking this exam to not just keep reading but also to keep reading and talking and engaging in conversations you know getting into a contest of ideas that is most important sir aap IAS academy ke mukhya rahe chief rahe guardian rahe to wahan par pure desh se select hone wale bacche aate hain bilkul roots se bhi aate hain aur higher family se bhi aate hain lekin wahan aapke liye sab स्टूडेंट्स हैं सबको आपको ट्रेनिंग दे रहे सारे ऑफिसर्स हैं तो लोगों में एक मिथ्या है कि IAS एकेडमी में एरोगेंसी सिखाई जाती है पोलाइटनेस सिखाई जाती है या एटीट्यूड सिखाया जाता है बहुत से जो ऑफिसर्स यंग ऑफिसर्स आते हैं बहुत रूड होते हैं बहुत से बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं आते उसी एकेडमी से हैं लेकिन एक लोगों में मिथ्या रहती है कि कैसी ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है जो उनमें रूडनेस या एरोगेंसी सिखाई जाए नहीं नहीं देखिए ये तो बिल्कुल ही विपरीत होगा क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है एकेडमी का उसका नाम ही है हमारा जो मेन जो लोगो है जो 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 बिल्कुल लिखा रहता है वो शीलम परम भूषणम कि ह्यूमिलिटी इज़ द बेस्ट एम्बेलिशमेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग और हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि हम ये टीम वर्क की एम्फेसिस इसीलिए विलेज विजिट पे जाते हैं इसीलिए ट्रैक पे जाते हैं इसीलिए भारत ताकि हम देख सकें देखिए एक जो सिविल सर्वेंट ऑफिस जो सिविल सर्विसेज में उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो दूसरे आदमी को कंफर्टेबल फील कराए जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम खुश हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं बराबरी के स्तर पे बात कर रहे हैं तो एक IAS अफसर को तो मैं जो मेरा फेवरेट एग्जांपल होता था वो ये था कि 5-star से लेकर फुटपाथ तक हर जगह ही हैज टू बी कंफर्टेबल बिकॉज अब मल्टीलेटरल नेगोशिएशन भी होंगी इंडस्ट्री मीट हुई अभी जब जैसे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए और इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करनी है और एक जो जनधन योजना है उसको भी चलाना है और मुद्रा लोन भी कराना है और किसान क्रेडिट कार्ड भी कराना है और इन्वेस्टमेंट मीट में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी सो एन IAS ऑफिसर हैज़ टू बी मल्टीफेसेटेड एंड ही हैज़ टू बी कंफर्टेबल अच्छा जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप दूसरे को कंफर्टेबल नहीं फील करा सकते इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस रहता है वो ये है कि आपको पहले अपने आप से यू हैव टू बी कंफर्टेबल यू हैव टू बी कंफर्टेबल talking to a laborer talking to a kisan talking to an anganwadi worker and talking to the topmost industrialist of your state because that's how your job profile will be sir lok sevak matlab public servant to public servant hone ke bawajood attitude behavior naukar shah yani lok sevak to hai lekin shah शाह शब्द आपने लगा दिया नौकर शाह तो आप बना दिया देखिए कई लोग हमको बाबू बोलते हैं कई लोग हमें नौकर शाह बोलते हैं अब बाबू भी तो बोलते हैं तो लोक सेवक में शहंशाह वाला जो एटीट्यूड अंदाज आम तौर पे जो यंग ऑफिसर्स आते किसी भी आप यंग सिविल सर्विस के ऑफिसर को देखिए उनमें एक एटीट्यूड होता है और उनमें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि वाकई में नौकर शाह यानी कि शहंशाह और नौकर को मर्ज करते हुए जो उत्पत्ति होती है वो नौकरशाह आप क्या कहना चाहेंगे तो बड़ी अजीब सी बात है अभी आई डोंट नो देखिए अब हो सकता है आपकी परसेप्शन अलग हो और अगर ऐसी परसेप्शन है तो इसके लिए हमें उस परसेप्शन को चेंज करना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए जो हमारे भीष्म पितामह हैं सिविल सर्विस के वो Sardar Patel is the person who is responsible for the creation, I mean for the retention of the civil service because देखिए जो चार लोग थे जिनको मैं मानता हूँ कि जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सोचा महात्मा गांधी सरदार पटेल डॉक्टर अम्बेडकर और नेहरू ये चारों के चारों का हमारे देश में क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए इनमें बहुत मतभेद थे they were all, I mean they had different views which should be the way
इट शुड बी। अच्छा, महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट में तो सिविल सर्विस का मतलब ही नहीं हो, तो कहते ग्राम स्वराज होना चाहिए, हिंद स्वराज से लीजिए, हर चीज़ जो है वो गांव में होनी चाहिए, जो चीज़ गांव नहीं कर सकता वो जिला पंचायत में होनी चाहिए। तो ही डिड नॉट हैव एनी नोशन ऑफ अ सिविल सर्विस, इन हिज व्यू सिविल सर्विस वाज रिडंडेंट, आई मीन ही डिड नॉट रियली बिलीव सो मच इन अ सिविल सर्विस। तो आपका मानना है कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन नेहरू का व्यू था दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द सोवियत मॉडल एंड द चाइनीज मॉडल, जिसके अंदर पार्टी वर्कर्स का बहुत ज़बरदस्त रोल था डेवलपमेंट काम करने में, एंड ही डिड नॉट रियली थिंक दैट द ICS एंड द IAS आर द बेस्ट, आई मीन ही वुड हैव, आई मीन ही वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट कार्डर बेस्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अम्बेडकर फेल्ट दैट इट शुड बी more driven by the states themselves, because he felt that linguistic state should be made and it should be a state driven body. Sardar Patel was the person who felt ki theek hai ICS ne jo bhi kiya, lekin ICS ne wo objective to pura kiya jo unko objective pura karne ke liye kaha gaya. His view was that the ICS or the IAS is a machine, it's a technology, it is a tool. If you use it well, it will deliver. If you don't use it well, it will not deliver. So he was very clear that the IAS and the ICS should be retained. और जब मैं आपको 1946 पे ले जा रहा हूँ, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि मैं ICS को अबॉलिश करूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अबॉलिश नहीं करेंगे। उन्होंने सब प्रीमियर्स को बुलाया और फिर डिसाइड किया कि IAS का एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में उन्होंने जो आर्मी से जो लोग उस साल रिलीज हुए थे उनसे एक लिमिटेड एग्ज़ाम करवाया, और इस तरह हमारा 47 में IAS और IPS का हुआ। बड़ी डिबेट हुई चीफ मिनिस्टर्स में, उन्होंने कहा कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर आप IPS की रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं? तो सरदार पटेल ने कहा कि फिर आप रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे? एक एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम के माध्यम से हम IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज, फॉरेन सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। इस पर नेहरू और पटेल का मतभेद हुआ। सरदार नेहरू वॉन्टेड टू सिलेक्ट दी IFS डायरेक्टली, सरदार पटेल सेड नो, इट विल हैव टू बी अ कॉमन एग्जाम। तो जो हमारे भीष्म पितामह हैं सरदार पटेल, उनका यह मानना है दैट यू विल नॉट हैव यूनाइटेड इंडिया अनलेस यू हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस विच हैज द इंडिपेंडेंस एंड द फ्रीडम टू स्पीक इट्स ओन माइंड। देश को अच्छे तरीके से देखिए, एक अगर हम पुराने उसमें जाएं, अपने थोड़ा सा फिलोसफिकल मेंट ऑफ माइंड से जाएं, तो एक देश को चलाने के लिए आपको हमें तीन किस्मों की शक्ति या सत्ता चाहिए। एक होती है प्रभु शक्ति, विच इज़ द पावर ऑफ द सोवरन, जो किसी भी PM या CM के पास होती है, प्रभु शक्ति जिसको कहते हैं, प्रभु सत्ता जिसको कह सकते हैं। उसके साथ उनको चाहिए मंत्रणा शक्ति। अब यहाँ पे मंत्रणा इज नॉट फॉर मंत्री, यहाँ मंत्रणा इज फॉर योर कोर एडवाइजर्स, फॉर योर की एडवाइजर्स, विच रोल हैज़ टू बी परफॉर्म विद द सिविल सर्वेंट, बिकॉज द लार्जर विजन कैन बी सेट बाय द PM और द CM, बट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट विजन हैज़ टू बी डन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करना है, स्वच्छ भारत लाना है, एक्चुअल ग्राउंड पे तो काम सिविल सर्वेंट को करना। और तीसरा एलिमेंट ने कहा तो उत्साह शक्ति। ये जो हर साल रिक्रूटमेंट होती है उनमें जो उत्साह जो शक्ति है, ये तीनों का जब मिश्रण होता है, जब उत्साह शक्ति, मंत्रणा शक्ति और प्रभु शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां मिलती हैं, देन द कंट्री कैन मूव टूवर्ड्स, तब जो द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इट रियली बिकम्स ग्रेट। देखिए देश तो हमेशा बढ़ता रहेगा, 3% पे ग्रो करेगा, 4% पे ग्रो करेगा, लेकिन इफ इट हैज टू ग्रो ऑन अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, देन यू नीड द कोएलिशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि एकेडमी नौकरशाह वाली यानी शहनशाह वाली कोई फील पैदा नहीं करती। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि नाउ, लेकिन आई थिंक वी सक्सीड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हो सकता है कुछ फेलियर्स हो। अच्छा सर, भारत गणतंत्र के जो मैप हैं, नक्शे हैं, लगातार परिवर्तित होते रहे, और आपने बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया है, आपकी एक किताब भी आई है, तो मैप को आपने किस वजह से फोकस किया और आपकी किताब क्या कहती है? मेरी किताब ये कहती है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे पास 9 प्रोविंसेस थी और 562 रियासतें थी। उसके बाद में 1950 तक उसका बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन किया, फिर 52 में पहली लिंग्विस्टिक एजिटेशन हुई आंध्रा में, उसके बाद में आंध्रा स्टेट का पहला स्वरूप आया 1953 में, उसके बाद में 56 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, फिर 60 में ये बॉम्बे और बॉम्बे स्टेट का डिवीजन हुआ, फिर पंजाब और असम का बाद में। तो ये कहानी सुनाती है कि कैसे कितनी बार हमारे देश में
जो हमने अपनी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की, और मेरा ये मानना है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से देश मजबूत हुआ, क्योंकि इसके से क्या हुआ कि जो एक हमारे देश में एक अच्छा पंजाबी होना और एक अच्छा भारतीय होना, एक अच्छा बंगाली होना और एक अच्छा हिंदुस्तानी होना, एक अच्छा मराठी होना, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। तो जब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती तभी देश बढ़ते हैं, तभी देश, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट एवर यू आर डूइंग। अब साथ में हम देखें पाकिस्तान क्यों ब्रेकअप किया, इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि जिना गए वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी में जाके स्पीच दी कि उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो बच्चे भड़के और 18 बच्चों की डेथ हुई ढाका यूनिवर्सिटी में 21 फरवरी 1948 में, जिसके लिए जिसको हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे बोलते हैं, माँ बोली देश बोलते हैं। तो जिस देश को, जो देश अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो देश बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। तो क्योंकि इंडिया ने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक्सेप्ट की, और कांग्रेस ने तो इस बात को 1918 में जब महात्मा गांधी जब आए इंडिया में, जब उन्होंने देखा कि सारे कांग्रेस के अधिवेशन अंग्रेजी में हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे आज़ादी मिलेगी। तो महात्मा गांधी वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड द सिंध कांग्रेस, द बंगाल, द मराठा कांग्रेस, द कन्नड़ कांग्रेस। So he said that Congress has to be reorganized on linguistic line. Or the Congress that I'm talking is the freedom movement. It's a much larger, you know, organization, because Congress mein socialists bhi the, Congress mein Hindu Mahasabha ke log bhi the, kuch dino tak Jinnah bhi Congress mein rahe, M.N. Roy Congress mein, matlab kaun tha India mein jo Congress mein nahi aaya, sab log Congress mein aaye, Congress se gaye. To un dinon ki jo thought thi wo yahi thi that India is a multi, bahut sari linguistic इश्यूज हैं इंडिया में, बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो सर, जो हमारे दर्शक आपकी किताब को पढ़ना चाहें, आपकी किताब का नाम और उसका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे दर्शकों को? चलिए, ये किताब यहाँ पड़ी है, इसको निकाल दीजिए, इसको मैं, लेट मी टेक इट आउट, इट्स कॉल्ड वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। और ये भारत का नाम मैंने 2 साल पहले कहा था कि वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत, जब से ये G20 में ये इन्विटेशन भारत के नाम पे गए, तो मेरी भी 100 किताब 150 किताब और बिक गई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये भारत नाम को और प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। लेकिन आई हैड यूज दिस वर्ड भारत टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिंग्विस्टिक, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑफ भारत। इसलिए मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है दैट द मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज। सो मेरे ख्याल से भारत और इंडिया में, आई मीन दिस इज हार्डली अ, इट्स अ स्टॉर्म इन अ टीकप, बट दिस इज अ बुक विच इज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स। इसका भी हिंदी एडिशन जो है वो राजकमल प्रकाशन से आ रहा है। मेरे मित्र डॉक्टर फारूक इसकी उर्दू एडिशन निकाल रहे हैं, और मेरे एक और मित्र इसकी उड़िया में भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो लेट्स होप दैट इट डज वेल। तो कब तक ये हमारे पाठकों को पढ़ने के लिए मिल जाएगी? देखिए, अंग्रेजी एडिशन की जो सॉफ्ट कॉपी, जो पेपरबैक है, वो तो आ चुकी, वो तो अब, ये हार्ड एडिशन तो अब नहीं है, पेपरबैक एडिशन है, किंडल एडिशन है, और आई थिंक होपफुली बाय जनवरी फरवरी इसका हिंदी एडिशन आ जाना चाहिए। तो आपने देखा कि संजीव चोपड़ा जी ने जो ये किताब लिखी है, ये किताब आपके उन तमाम थॉट्स को क्लियर करेगी जो 1947 से लेकर अब तक भारतीय नक्शों में, मानचित्र में परिवर्तन होते रहे, उसकी सही कहानी आपको देखने को मिलेगी और विभिन्न भाषाओं में जल्दी आप इसे पढ़ सकेंगे। चोपड़ा जी, आप जब से IAS एकेडमी से रिटायर हुए, उसके बाद आपने अपना पूरा फोकस लिटरेचर पे कर दिया है, और लिटरेचर फेस्टिवल कराने वाले आप वो शख्स हो गए, लेकिन मैं लेकिन आपने उसे जिस तरीके से ग्लैमराइज किया, और लिटरेचर फेस्टिवल में आपने देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े लेखकों को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए, तो ये विज़न कहाँ से आया, और लिटरेचर फेस्ट के पीछे आपका क्या क्या सोच थी, और कब कब इसके अंदर आम लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं? देखिए, एक ओवरनाइट तो आदमी लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में सोचता नहीं। किताबों के साथ मेरा लगाव जो है तो बचपन से रहा है, और देश में क्योंकि कई जगह लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, और क्योंकि मैं कलकत्ता में भी था, दिल्ली में भी था, तो बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स मैंने अटेंड किए। और एक बार कलकत्ता में एक बहुत प्रोमिनेंट लिटरेचर फेस्टिवल जब ख़त्म हुआ, तो उनके जो मेन स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने कहा कि इसमें क्या ठीक था क्या गलत था। तो मैंने उनको बताया कि ये ठीक था ये गलत था, तो उन्होंने कहा कि तो आप अगले फेस्टिवल डायरेक्टर आप हो जाएं कलकत्ता में। तो
मैंने अच्छा लगा मुझे आइडिया। लेकिन रश्मि जो मेरी बेटर हाथ है उन्होंने कहा कि आपको रिटायर कलकत्ता में होना है या देहरादून में होना है, आपका घर कहाँ है? भैया घर तो यहाँ देहरादून में, आपको रिटायर कहाँ होना? मैं कहा रिटायर तो देहरादून में होना है। तो उन्होंने कहा अभी इतनी मेहनत कलकत्ता के लिए क्यों करो, और वहाँ तो ऑलरेडी दो तीन अच्छे फेस्टिवल हो रहे हैं, तो वाई डोंट यू वर्क फॉर अ फेस्टिवल हियर इन देहरादून विच इज़ वेयर वी आर गोइंग टू सेटल। सो दैट्स हाउ द थॉट स्टार्टेड। तो फिर हमने सोचा कि पूरी जो मेहनत है ये कलकत्ता में करने की बजाय या किसी और जगह में करने की बजाय यहाँ की जाए। और मेरी एंड आई फॉर्चुनेटली आफ्टर दैट आई गॉट पोस्टेड टू द एकेडमी, और उसके बाद तो देहरादून, तो क्योंकि अपनी सर्विस का मैक्सिमम समय मैंने देहरादून जिले में ही स्पेंड किया। पहले 6-7 साल एकेडमी में, पहले 2 साल ट्रेनिंग में, फिर 6 साल एकेडमी में, फिर 5 साल उत्तराखंड गवर्नमेंट में। और मुझे एक किस्म से कहा जाए एक वो बिलीफ थी कि हाँ मैं डायरेक्टर एकेडमी के पद से रिटायर होंगे, तो फिर 2.5-3 साल मिल गए यहाँ, तो फिर दैट्स व्हाई वी थॉट कि वी विल डू इट इन देहरादून। सर ये लिटरेचर फेस्टिवल में आम जनता यानी कि जो बच्चे हैं लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से वो अपनी सहभागिता दे सकते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन। आप आइए और 2 दिनों में आपके पास कई बहुत बेहतरीन सेशन मिलेंगे आपको। जो 8 विधाएं जिनको हम प्रोपोगेट करते हैं, इंग्लिश फिक्शन, हिंदी फिक्शन, नॉन फिक्शन, इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं से जो अनुवाद हो रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी में, उसके साथ 12 किताबों की का विमोचन होगा। 3 बहुत बढ़िया प्रदर्शनियां हम लगा रहे हैं यहाँ पे इस बार। एक एग्जीबिशन है उसका नाम है एवं अवद्यति पुस्तकम, मैं पुस्तक बोलती हूँ। और पुस्तक जो पुराने जो पांडुलिपियाँ थी वो एक कहती हैं कि आप मुझे तेल से बचाइए, आप मुझे अग्नि से बचाइए, आप मुझे ये मिट्टी और बारिश से बचाइए, आप मुझे मूर्ख लोगों के हाथ में बचने से बचाइए। तो ये जो किताबें हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास कुछ अंश जो गुरुओं की राइटिंग्स के हैं, कुछ मुगल बादशाहों की राइटिंग्स के हैं, कुछ हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज़ हैं, कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स के हैं, ये सब एक एग्जीबिशन लगी थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसी एग्जीबिशन को हम यहाँ लेके आए हैं। तो वो देखेंगे। एक हमारा और प्रोग्राम है विलेज वॉइसेस, जिसमें अर्बन और रूरल बच्चों का क्या डायलॉग है। हमारी पूरी एफर्ट रहती है कि हम यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, हमारे करीब 30-35 वॉलंटियर्स हैं जो सब लोकल कॉलेजेस से हैं, तो पूरा का पूरा जब आप आएंगे फेस्टिवल में तो आप देखेंगे वही पूरा कुछ कंडक्ट कर रहे हैं। प्लानिंग हमने की है लेकिन उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वही कर रहे हैं। तो यू विल सी, जो आएंगे वो देखेंगे कैसे एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और ऑथर्स के साथ आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे। ऑथर्स और जो ऑथर है जिसकी किताब पब्लिश्ड है, और जो 10 साल बाद या 20 साल बाद जिसके ख्वाब हैं किताब पब्लिश करने के, हम सब इंसान हैं, तो इट विल बी नाइस टू इंटरैक्ट, अच्छा लगता है सबसे। सर आज के डिजिटल दौर में किताबों की महत्ता कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए किताब किंडल एडिशन से हो या इससे हो या पांडुलिपि में हो, किताब तो किताब है, किताब इज़ अ थॉट, राइट? तो थॉट्स इनफैक्ट डिजिटल एडिशन में ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई। आगे जो था आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था किताबें पढ़ने के लिए, अब तो आपके पास इसमें हैंड हेल्ड मोबाइल पे सब कुछ है। तो आई डोंट थिंक दैट द रीडिंग हैबिट इज़ गॉन डाउन, आई थिंक द रीडिंग हैबिट इज़ रियली इंक्रीज। 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हर साल हिंदुस्तान में छप रही हैं और हर भाषा में छप रही हैं, और उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आई डोंट थिंक दैट द रीडिंग हैबिट हैज बिकम लेस, आई थिंक इट्स इंक्रीजिंग। अच्छा सर, अंत में हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, खासतौर से उन दर्शकों को एक मार्गदर्शन दें जो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाने का दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और बहुत से बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो परसेंटेज कितने मायने रखती है, और उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल दबाव उनके पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, उसकी क्या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसे लोगों को आप अपना मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि इंटरव्यू खत्म होने से पहले एक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह आपके माध्यम से जाए। देखिए मैं इसमें एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये कि परसेंटेज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन परसेंटेज एक ऑब्सेशन नहीं हो सकती, ये हमें साथ साथ रखना चाहिए। अगर ये हम मान के चलें कि
परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, और जो बच्चे की इच्छा हो वो करता रहे, जो वो कर, तो मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ इस मामले में. आई स्टिल थिंक दैट यू नो वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग गुड मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट बी एन ऑब्सेशन, इट शुड नॉट बी एन ऑब्सेशन. लेकिन मैं सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद द व्यू कि मतलब कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए या जो इच्छा वो करे, जो इच्छा वो पढ़े. देखिए एक बार जब आपने जो भी कोर्स चूज कर लिया लाइफ का, अगर आपने मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है या जो भी, बहुत ज़रूरी है कि हम वो चूज़ कर लें कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है. और इसमें मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. अगर किसी को फौज में जाना तो फौज में जाए, अगर किसी को लेखक बनना तो लेखक बने. लेकिन एक बार जो भी चीज़, जो भी थे स्टूडेंट्स या बच्चे, जो एक बार जिस चीज़ में उनका मन लग जाए, देन दे हैव टू डू वेरी वेल इन दैट. देन दे शुड बी नो, आई मीन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मीडियोक्रिटी. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेइंग दैट यू शुड नॉट aspire to be the best. In aspiring to be the best, you may not become the best. देखिए वो तो भागवत गीता में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में तो कर्म करना है, और हमें वो कर्म पूरा पूरी एफर्ट के साथ करना. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मैं इन्हीं वाक्यों के साथ इंटरव्यू बंद करना चाहूँगा कि वी cannot aspire for the second best. We must aspire for the best. And also realize कि अगर नहीं possible है तो ठीक है, कोई बात नहीं. One should not get upset about it because that is part of life. धन्यवाद दिन चौपला जी, आपने इतना वक्त दिया. तो ये थे हमारे खास मेहमान संजीव चौपला जी, जो IAS एकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत बड़े लेखक हैं. और उन्होंने सीधे तौर पर उन पेरेंट्स को और बच्चों को सलाह दी है, आपको जो बनना है, डेस्टिनी जो तय किया है, उसके लिए प्रयास आपको करना है. लेकिन हौसला नहीं हारना है, साइकोलॉजिकल दबाव में नहीं रहना है. शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है. तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना ही, पढ़ाई करना ही, जिस चीज़ में आपका शौक है उसी में आगे बढ़ें, उसी में अपनी स्किल्स साबित करें, और किसी भी तरीके दबाव को अपने ऊपर महसूस ना करें. सिर्फ एक ही शिक्षा है, शिक्षा ही शिक्षा का प्रतिफल होगा. शिक्षा के अलावा शिक्षा का कोई ऑप्शन नहीं है. फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार. सत्य के साथ.